आज हम आसाम में हैं, आसाम के गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में इसलिए क्योंकि हमें बिहार को फिर से एक बार प्रमोट करने का मौका मिल गया। हम बिहार को इतना ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं कि वहां पर जो भी बिजनेस शुरुआत होती हैं और जिससे कि कंपनियां खुलती हैं, जिस बिहार में कभी बेरोजगारी के नाम पर लोग ताने दिया करते थे, अब उस बिहार के लोग खुद का रोजगार कर रहे हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमने इससे पहले जिस वीडियो में आपको दरभंगा का वेस्ट्रॉन बेकिंग सिस्टम की कंपनी, जिस जहां पर ये मशीनें बनती हैं, इतनी बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें और जो मशीनें बनती हैं, ओवन तैयार किए जाते हैं, उनका जो शोरूम खुला है वो गुवाहाटी में खुला है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है कि जो लोग भी बिहार से दूर हैं, आसाम में हैं और खुद का रोजगार करना चाहते हैं, ये आपको 42 ट्रे का रोटरी ओवन 42 ट्रे का। मैं असम से ही हूँ, गुवाहाटी का। तो मैं गुवाहाटी का जो ये ब्रांच है तो देखभाल करता हूँ इसका, ठीक है। तो इसका एड्रेस भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आईएसबीडी के पास आपका एक स्टेडियम मिलेगा, वर्षा भर स्टेडियम, उसी के बगल में हम लोग का ऑफिस है। ये हो गया आपका प्लेनेटरी मिक्सर का, इसमें आपका काम होता है मतलब क्रीम, केक, कुकीज, इन सबका काम होता है, कुकीज और क्रीम, इन सबका होता है, ठीक है। और यह हो गया आपका ये मशीन, मशीन कौन सी मशीन, सैंडविच ग्रिल। अच्छा, सैंडविच ग्रिल, जिससे कि हम लोग सैंडविच जिसपे ग्रिल किया जाता है ना, ये वो मशीन है। मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तमाम मशीनें जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात ये है ना कि बिहार के दरभंगा में इस फैक्ट्री की नींव रखी गई और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद यहाँ पर आपको इंडिया के तमाम उनके जितने भी शोरूम हैं उन सब में भेजा जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार के लोग अब जो है ना कि दूसरे स्टेट में भी अपना रोजगार और बड़े तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी जुबे, हम आपसे सबसे पहले बात ये जानेंगे कि क्या आप गुवाहाटी के ही हैं? हाँ, मैं गुवाहाटी का ही हूँ। और आपके जो ऑनर हैं वो कहाँ से हैं? हम लोग का ऑनर है जो बिहार दरभंगा से है, बिहार दरभंगा से, मिस्टर सोहेल सैयद उनका नाम है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी में ऑर्डर के हिसाब से जिसको भी जो सामान चाहिए टाइम पे मिलेगा, इसमें आपको सारा काम हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको केक, क्रीम, बिस्किट, पाव, पैटीज वगैरह ऑल आइटम हो जाता है, ठीक है। ऑल पूरा इसमें सेटअप हो जाता है। ये पूरा मशीन का 15 साल का आपको वारंटी रहेगा, 1 साल सर्विस फ्री रहेगा, फूड लाइसेंस बना करके दिया जाएगा। और इसमें जो स्टील लगता है ना वो आपको जिंदाल का 310 का स्टील लगता है। अच्छा जी, ठीक है। और इसमें ट्रॉली आपको 4 ट्रॉली फ्री मिलता है। 4 ट्रॉली फ्री है जी, 4 ट्रॉली फ्री मिलता है। अगर आसाम में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा आपको सर्विस देगा। मतलब आसाम में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको हो गया स्पाइरल मिक्सर, जो इसी के साथ अटैचमेंट में आता है। ये आपको 30 kg का स्पाइरल मिक्सर है। अच्छा। तो इसमें एक फीचर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आटा फंस जाता है ना, तो हम लोग का रिवर्स गियर में इसमें कंट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अच्छा। जो हमारे इंजीनियर ने नया इन्वॉल्व किया है इसमें। अच्छा। ये अब दोनों 30 kg का। अच्छा। ये आपको प्लांटरी मिक्सर हो गया 30 लीटर का, ये वाला। इसमें केक, क्रीम, बिस्किट का आपको काम होता है। अच्छा। ये भी इंडियन है, ठीक है जी जी। ये आपको डेक ओवन हो गया, ये सिंगल डेक ओवन हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं सर? इसमें आपको स्पेशली जो है ना, बिस्किट हो गया, पैटीज हो गया, पाव हो गया, ये सब बनता है। ये मतलब रोटरी ओवन का छोटा होता है। अच्छा। इसमें जो ट्रे यूज होता है ये टाटा स्टील का है, 0.5 mm का। अच्छा। ये 2 इंच का इसका, ये ठीक है। ये मतलब मैन्युफैक्चर वाला, ये हम लोग खुद मतलब बिल्कुल उसमें जो प्रोडक्ट है उस पर आप लोगों ने खास ध्यान रखा हुआ है कैसे। इसमें 400 ग्राम चला जाएगा एक ट्रे में। अच्छा, 400 ग्राम जी, ठीक है। और सर इसके अलावा ये हम लोग का हो गया स्पाइरल मिक्सर, स्पाइरल इंपोर्टेड में 34 kg में। अच्छा जी जी। अच्छा सर, एक चीज ये है कि अगर लोग खुद का रोजगार करना चाहें, खुद का बिजनेस करना चाहें, तो एक छोटा सा फॉर्म कैसे डालेंगे, कितना उनका? देखिए, अगर छोटा सा, बहुत छोटा डालना है तो 70,000 के अंदर में हो जाएगा। 70,000 हम लोग के पास यहाँ पे पूरा ये है जी। ये आपको 70,000 का भी है मेरे पास यहाँ पे, छोटा वाला, और 1 लाख के अंदर में भी हो सकता है पूरा सेटअप। हम लोग के पास पूरा डेक ओवन पूरा अवेलेबल है, डबल डेक ओवन है, ट्रिपल डेक ओवन है, सिंगल डेक ओवन है, सारा अवेलेबल, गैस इलेक्ट्रिक दोनों में, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिक हो गया और ये वाला गैस वेरियंट है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक है और ये गैस वेरियंट है। और ये आपको इलेक्ट्रिक डेक ओवन है, इलेक्ट्रिक में जो कस्टमर का यहाँ बहुत सारा डिमांड रहता है जी, इलेक्ट्रिक डेक ओवन। अच्छा जी। तो इन सबको लगाने के लिए कितना बड़ा दुकान का या फिर स्पेस का जरूरत पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे तो ज्यादा बड़ा दुकान का जरूरत नहीं पड़ता है, थोड़ा मोटा अगर स्टॉल है तो स्टॉल को भी लेकर के आप बैठ सकते हैं आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। ये इसमें ट्रे लगता है। अच्छा, ये ट्रे जी इसमें लगता है? जी जी, इसमें लगता है। ये मतलब इम्पोर्टेड है, डायरेक्टली वहीं से आता है। अच्छा
तो मतलब कुल मिला के अगर हम 70,000 से 1,00,000 के बीच में अगर हम चाहें अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना तो कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग को मीडियम करना है, जैसे मतलब पूरा बेकरी सेटअप करना है, तो 4,00,000-4,50,000 के अंदर में पूरा सेटअप हो जाएगा, मतलब 4,00,000-4,50,000 में बढ़िया बिजनेस सेटअप हो जाएगा। एक आपको रोटरी ओवन हो जाएगा, स्पाइरल मिक्सर, प्लांट्री मिक्सर, हम लोग का हो गया ब्रेड कटर, ये ब्रेड कटर है जी। इसमें सर होता क्या है, इसमें आपको ब्रेड भी कट जाएगा और रस्क भी कट जाएगा। अच्छा, ब्रेड और रस्क दोनों। ये देखिए यहाँ पे 14 mm का है जी, और ये 18 mm का है। अच्छा। स्पेशली हम लोग खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, मतलब ब्रेड काटना हो या फिर रस काटना हो, ब्रेड काटना हो, रस काटना हो, कस्टमर का डिमांड आता है कि ऑटोमेटिकली नहीं करता। अच्छा, बट वन टाइम पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कटेगा। ये शुगर ग्राइंड, हाँ, इसमें चीनी वगैरह का जो कस्टमर का डिमांड रहता है, तो मेरे को शुगर ग्राइंडर चाहिए जी, तो ये शुगर ग्राइंडर हो गया आपको, ये प्रूफर मशीन हो गया, प्रूफर मशीन, इसमें पाव वगैरह बनता है। अच्छा, पाव, इसी का सिंबल एक यहाँ रखा हो, वो 6 ट्रेन है, 12 ट्रेन, ये 12 ट्रेन है, देख लीजिए ये 12 ट्रेन का है, ये नॉर्मल है, ये वाटर पे चलता है, स्किन पानी चलता है। जी, जी जी, पानी नीचे रख देंगे, फिर इसका कनेक्शन करेंगे, फिर पेन ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सिंबल वगैरह। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नया कस्टमर हो या फिर जिसे इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, तो फिर अगर वो मशीन लेके जाता है तो वो कैसे चलाएगा? अगर मशीन लेके जाता है तो हम लोग यहाँ पूरा समझा देते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग फिर मिस्त्री को भेजते हैं, ठीक है, मिस्त्री को इंस्टॉलेशन वगैरह करता है, वहाँ पूरा समझा देता है और एक दिन पका के भी मतलब आता है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने अभी 2 बंदे को छोड़ के आया वहाँ, तो वहाँ गया है, मशीन इंस्टॉलेशन करेगा, वहाँ माल पका के देगा, फिर आएगा। अच्छा। मतलब कस्टमर का सर्टिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से रिटर्न आएगा। अच्छा, मतलब एक चीज ये है कि अगर किसी को नहीं आता है लेकिन वो बिजनेस से जुड़ना चाहता है तो उसमें आप फुल सपोर्ट करेंगे? फुल सपोर्ट करेंगे उसको, मतलब बिजनेस सेटअप करवाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी एक कस्टमर है लखीमपुर के। अच्छा। तो अभी एग्जीबिटेशन हुआ था हम लोग का ट्रेड सेंटर में। हाँ। तो वहाँ आए थे तो वो बोल रहे थे ऐसे ऐसे मेरे को भी काम करना है, तो हमारे जो ऑनर है सुहेल सैयद, तो उन्होंने उनको बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरा सहायता भी देंगे, बैकरी का सेटअप भी देंगे, उसको सारा मतलब सेटअप बताएं। अच्छा सर, एक चीज ये तो हो गया कि चलिए आपके पास इतनी सारी मशीनें हैं, आप सब कुछ सेटअप भी कराएंगे, 70,000 से 1,00,000 रुपए में छोटे से छोटे बिजनेस भी सेटअप हो जाएंगे, और बड़े से बड़े में तो खैर वो जितना बड़ा मशीन होगा जितना आप एस्टीमेट ले सकते हैं उसका कोई वो तो कोई अंत नहीं होता। तो ये चीज, एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि अगर आपको छोटा सा रोजगार शुरू करना है तो आपके पास 70,000 से 1,00,000 रुपए तक का अगर आपके पास अमाउंट है तो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और बड़े से बड़े में आपको जितना भी चाहिए आप यहाँ पर आइए, मशीन देखिए, मशीन देखकर आप अपने हिसाब से आप तय कीजिए, उस हिसाब से आप मशीन उनको देंगे। और ये हम लोग का ऑफिस हो गया जी, के अंदर भी मैं मशीन रखा हुआ है जी। ये बहुत सारे कस्टमर का डिमांड रहता है, जैसे छोटा दुकान रहता है ना, सेटअप रहता है, जैसे टॉयलेट करना, ठीक है, अब छोटा मशीन चाहिए तो 7 लीटर का प्लांट्री मिक्सर है, ये 10 लीटर का है, ये 20 लीटर का है। अच्छा, तो कस्टमर का बहुत सारा डिमांड रहता है, इसलिए ओपन करके रखते हैं यहाँ पे, अब मशीन कनेक्शन करते हैं, चना वाला करके देखते हैं, यहीं पे आप चला के देखते हैं। जी जी जी, सारा कुछ चला करके। तो देख लीजिए, एक चीज ये है कि यहाँ पर छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा तमाम जो है कि यहाँ पर मशीनें अवेलेबल हैं। अगर हम आपको बताएं कि वेस्टर्न बेकिंग सिस्टम में आपको इंडस्ट्रियल ओवन, एलपीजी गैस ओवन, ऑटोमेटिक ड्रॉपलेट मशीन, ऑटोमेटिक पैकिंग यूनिट, केक डिस्प्ले काउंटर, प्लेनेटरी मिक्सचर, स्पाइरल मिक्सचर, डबल आर्म मिक्सचर, ब्रेड स्लाइसर, क्रीम रोल मशीन, ओवन, ओवन ट्रे होल्डर, रोटरी रैक ओवन, हाई स्पीड स्पाइरल मिक्सचर, हाई स्पीड ब्रेड स्लाइसर, प्लेनेटरी मिक्सचर और कुकीज ड्रॉपिंग मशीन, ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम मशीनें जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि आप अपना जिस तरीके से आप चाहते हैं अपना रोजगार शुरू करना तो आप रोजगार शुरू कर सकते हैं। एक चीज हमने आपको पहले बताया कि दरभंगा की कंपनी जो कि अब पूरे भारत में हर स्टेट में लगभग वो अपना बिजनेस फैला रही है, तो अब आसाम में हम आए हैं गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में जो है कि आपके पास ये ऑप्शन मिलता है आपको कि आप यहां से भी अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। आप असम से हैं तो अभी आप अपना यहां से माल ले सकते हैं, और आपको बिल्कुल जैसा सर ने कहा है कि हम मार्केट से सस्ते में ही या फिर मार्केट से अच्छी प्राइस में आपको देंगे। हम लोग का जो है ना सर, गूगल पे भी है, अगर गूगल पे सर्च मारेंगे वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम गुवाहाटी जी, तो बहुत सारे कस्टमर को रहता है कि आपका लोकेशन कहाँ है, आपका लोकेशन नहीं मिल रहा है, तो मैंने गूगल पे भी अपलोड किया है, वहाँ आप सर्च मार करके वहाँ से भी डायरेक्टली आप पहुंच। अच्छा, आप अपना एक बार लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन आपको हो गया लोखड़ा रोड अपोजिट KFC रोलिंग मिल, बरसापाड़ा स्टेडियम गेट नंबर 3-4। अच्छा, बरसापाड़ा स्टेडियम के पास ही, बरसापाड़ा स्टेडियम के पास है, रोलिंग मिल के पास। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी भी चाहिए तो यहाँ का नंबर, यहाँ का फोन नंबर और यहाँ का एड्रेस दोनों आपको वीडियो में चलता हुआ दिख रहा है, तो आप आसानी के साथ कॉल कर सकते हैं, यहाँ पहुंचना चाहे तो पहुंच सकते हैं, तमाम मशीनों को लाइव आके खुद देख सकते हैं।
तो ये तमाम चीजें जो है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे आप, और आपको जो है कि एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यहाँ का जो बिजनेस है, जो उद्योग है, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस कहा जाता है इसको। और सबसे प्लस पॉइंट है कि बहुत सारे बंदे सर्च मारते हैं गूगल पे, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये देते हैं आपको 55,000 में, ठीक है। तो बहुत सारे सर्च मारते हैं गूगल पे तो 65 दिखाता है, 68 दिखाता है। कौन सी मशीन है ये? ये आपको सिंगल डेक ओवन है। सिंगल डेक ओवन का सर प्राइस बता रहे हैं आपको, आपको 55,000 अगर आपके जरिए कोई आता है तो हम लोग 48,000 में दे देंगे। देख लीजिए अगर डिस्काउंट, देख लीजिए अगर आप अनोखा पोस्ट की तरफ से अगर आप बोलते हैं कि हमने वीडियो देखा है, तो आपको उससे भी कम प्राइस में सर देने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए और आप अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। सबसे चीपेस्ट प्राइस है पूरा गुवाहाटी में, अगर आप गूगल पे भी सर्च मारेगा तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग का आता है, और सबसे चीपेस्ट प्राइस है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि मान लीजिए जो लोग ये बिजनेस करते हैं, इस बिजनेस से लोग कितना कमा सकते हैं महीने का? देखिए अभी फिलहाल हमने दिया था यहाँ से 400 किलोमीटर सिपसागर, तो स्टार्टिंग में जब उसको दिया था तो शुरू में बोल रहा था कि लॉस हो गया, मतलब वो पार्टनरशिप में किए थे अपने दोस्त के साथ, तो वो बोल रहा है कि भाई मेरे को 2,000 का लॉस हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है। फिर एक उसका बंदा जो था, जो जानकारी था उसका, उसने हैंड ओवर किया, पर डे का 3,000 पहले कर रहा था, फिर अब पर डे का 10,000 रुपया कर रहा है, अभी एक महीना का 90,000 रुपया कमा रहा है वो। तो वैसे तो सबको जानता है कि बेकरी का जो बिजनेस होता है वो काफी प्रॉफिटेबल होता है, वो स्टार्टिंग में अगर आपके पास नॉलेज है, थोड़ा मोटा टाइम लगता है, कोई भी चीज डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकते आप, आपको एक महीना, दो महीना, तीन महीना देना पड़ेगा, उसमें जमना पड़ेगा उस फील्ड में, उस फील्ड में आपको गुडविल बनाना पड़ेगा, जब गुडविल बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ब्रांड के लिए अगर लेबलिंग के लिए अगर किसी को चाहिए तो वो सारा नंबर ही मिल जाएगा, सारा कुछ मैं अरेंजमेंट करवा करके दे सकता हूं। हां सारा कुछ अरेंजमेंट करवा के दे सकता हूं। मतलब आपको उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ घूमने फिरने दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। सर ने कहा कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, लेबलिंग वगैरह के भी चाहिए जरूरत होगा, तो वो भी हम लोग अरेंज करके दे सकते हैं। और हम लोग का जो है ना यहाँ पे 4-5 ब्रांच है, एक आपको यहाँ गुवाहाटी में हो गया, एक सिलीगुड़ी में जो मैन्युफैक्चर होता है, एक हेड ऑफिस हो गया आपको दरभंगा, और एक दिल्ली में जो पहले हम लोग का हेड ऑफिस था जी। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रोटरी ओवन मिल जाएगा 42 ट्रे, डबल डेक ओवन मिल जाएगा, सिंगल डेक ओवन इलेक्ट्रिक में मिल जाएगा, स्पाइरल मिक्सर मिल जाएगा, प्लेनेटरी मिक्सर मिल जाएगा, फिर इसको डीप फ्रायर भी मिल जाएगा, आपको शुगर ग्राइंडर मिल जाएगा, प्रूफर मशीन मिल जाएगा, पिज्जा ट्रे मिल जाएगा, फिर रोटी वाला चाहिए वो भी मिल जाएगा, कॉमर्शियल ग्राइंडर भी मिल जाएगा, मतलब खाने पीने से रिलेटेड जितनी भी मशीनें हैं, छोटा से लेकर के आपको यहाँ 25,000 से लेकर के आपको 10,00,000 का सामान आराम से मिल जाएगा। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा भी है कि आप जिस वक्त आएंगे आपको वो अवेलेबल हो जाएगा, है ना। अगर अवेलेबल नहीं भी होगा तो हम लोग का सिलीगुड़ी में ब्रांच है, वहां से डायरेक्टली अगर बंदे लोग को सर्टिफाइड नहीं होता है, जैसे कोई कस्टमर आया अगर मशीन यहाँ अवेलेबल नहीं होता, हम लोग का सिलीगुड़ी में ब्रांच है 400 किलोमीटर, वहाँ कॉल करते गाड़ी पर रखता तुरंत यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब तमाम सुविधाएं आपकी तरफ से बिल्कुल मिल रही हैं। तो ये टोटल जानकारी सर ने हमें दिया, तमाम मशीनों के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे प्राइस में यहाँ पर आपको वो तमाम मशीनें मिल जाएंगी जो कि आप कहीं ना कहीं से लाने की सोच रहे हैं। तो अब आप अपने राज्य से, अपने शहर से, गुवाहाटी से भी आप ये सारी मशीनें ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को यहाँ के लिए कि आप अपना खुद का बेकरी का रोजगार शुरू कीजिए और अपने रोजगार से ही 2-4 लोगों को और रोजगार दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमने आप तक ये तमाम जो जानकारी थी वो पहुंचाई है। अब इसी के साथ अपने इस वीडियो करते हैं समाप्त, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।